इस्तकबाल है आपका अपने उर्दू चैनल मिक्स मजालुत पर। मैं आपकी संजीदा मैम लेकर आई हूँ आज 10वीं क्लास के निसाब में शामिल मुहावरे। उर्दू पेपर में एक सवाल मुहावरे से मुतालिक होता है। चलिए देखते हैं। दर्ज ज़ेल मुहावरों के मायने लिखिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके का सवाल आता है आपके एग्ज़ाम में। इस लिहाज से ये क्लास बहुत अहम हो जाता है आपके लिए, इसलिए आखिर तक इस क्लास में बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले कि नीचे दिए गए मुहावरों के पहले आपको मतलब लिखना है, मीनिंग लिखना है, और फिर उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसी तरीके का आपका सवाल आता है फाइनल पेपर में। पहला है मुहावरा बाग बाग होना, इसका मतलब है खुश होना। बाग बाग होना, खुश होना। जुमला बनाया गया है, बहुत अरसे बाद अपनी बहन को देख मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक, तो आपको जुमला किसका बनाना होता है, मुहावरे का। बहुत बच्चे ये गलती बार बार करते हैं, कई बार मैंने आप बच्चों के पेपर में ये गलती देखी है, और इसी वजह से आपका वो सवाल गलत हो जाता है। आप करते क्या है कि उसकी मीनिंग का आप जुमला बना लेते हैं। जुमला आपको मुहावरे का बनाना होता है। ठीक, जुमला आपको मुहावरे का बनाना है। बाग बाग होना, बहुत अरसे बाद अपनी बहन को देख मेरा दिल बाग बाग हो गया। दूसरा दूसरा है जान पर खेलना या जान पर खेल जाना, मतलब है जोखिम उठाना। डॉक्टर अपनी जान पर खेल कर कोरोना वायरस मरीजों का या COVID-19 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। नंबर 3, हथियार डालना, हार मान लेना। कभी भी मुश्किलों से हार कर, यहाँ पर अच्छा होगा कि आप यहाँ पर लिख लें घबरा कर। ठीक, कभी भी मुश्किलों से घबरा कर हथियार न डालना। या कभी भी, ये थोड़ा थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा ये जुमला बीच में, क्योंकि न आ गया है। आपको वैसे ही लिखना होता है जैसे कि मुहावरा होता है, जैसे हथियार डालना। तो आप चूं का तू ही उठाकर लिखेंगे, सिर्फ ये फेल बदल जाता है अपने जुमले के अकॉर्डिंग। कभी भी मुश्किलों से घबरा कर हथियार डालना सही नहीं है, ये वाला आपका ठीक होगा जुमला। ठीक, फूले ना समाना, बहुत खुश होना। साजिद अपना रिजल्ट देख फूले नहीं समा रहा। नंबर 5, शीरो शुक्र होना, मतलब है घुल मिल जाना। वो दोनों पड़ोसी शीरो शुक्र होकर रहते हैं, यानी घुल मिलकर रहते हैं। वो दोनों पड़ोसी शीरो शुक्र होकर रहते हैं। हाथ ना लगाना या लगना, हाथ ना लगना मतलब है हासिल ना होना। जुमला देखिए, जिस नौकरी को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की, वो उसके हाथ ना लगी। सिर्फ बदलता क्या है, ये फेल बदल जाता है आपके जुमले के मुताबिक। जान में जान आना, सातवा है जान में जान आना, यानी मुतमईन होना, तसल्ली होना। अपने बच्चे को सही सलामत देख माँ की जान में जान आई। नंबर 8, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, इसका मतलब है झूठ साबित होने पर वो पानी पानी हो गया। लकीर का फकीर होना,
मतलब है नए बदलाव की मुखालिफत करने वाला, यानी दकियानुसी सोच वाला। लड़कियों के पढ़ाने पर आज भी उसकी सोच लकीर का फकीर है। नाक में दम करना यानी परेशान करना, बच्चे ने रो रो कर सबके नाक में दम कर दिया। हवा से बातें करना, तेज दौड़ना या फिर रफ्तार होना। जुमला है, बुलेट ट्रेन हवा से बातें करती है। इसके बाद है ज़बान दराजी करना, मुंह लगकर बोलना। ज़बान दराजी करने से हम अपनी इज्जत लोगों की निगाह में गवा देते हैं। जख्म पर नमक छिड़कना, दुख में इजाफा करना। किसी के जख्म पर नमक छिड़कना सही नहीं होता। यहाँ पर आपके ये जुमले पूरे हो गए, मुहावरे से जुमले बनाना। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी नंबरिंग नहीं की, ये 10 था, ये 11 और ये 12। इसमें पूरे 12 मुहावरे से 12 मुहावरे हैं जिन पे जुमले बनाए गए हैं। नहीं, तेरा है पूरे। तो ये कंप्लीट हो गया आपका।